आगरा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की परिजन भी उनकी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। उनकी धर्मपत्नी मधु बघेल बोली कि वो पूरे 5 साल जनता के बीच रहे हैं, जबकि विरोधी उम्मीदवार चुनाव के समय कहीं भी नजर नहीं आए। वहीं उनकी बेटी और बेटे भी प्रोफेसर बघेल की जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दिए। एसपी सिंह बघेल वो चेहरा है जो पूरे 5 साल मेहनत करते हैं और 5 साल के बाद फिर परीक्षा में बैठते हैं। आज लोकतंत्र के महापर्व की वही परीक्षा है जिसका रिजल्ट आगरा लोकसभा की जनता देगी। हमारे साथ समाज सेविका कहें, उनकी अर्धांगिनी कहें, मधु बघेल जी मौजूद हैं जो निरंतर लोगों के बीच रहती हैं, और जो मंत्री जी नहीं होते हैं तो लोगों के चाहे विकास के कार्य हों, चाहे पुलिस प्रशासन में सिफारिश की बात हो, वो करती हैं। भाभी जी, आप कैंपेन में गई हैं लगातार, कैसा माहौल आपको लग रहा? मुझे माहौल देखो बहुत अच्छा माहौल था, क्योंकि हम इतने चुनाव लड़ चुके हैं कि मुझे लग नहीं रहा था कहीं विपक्ष है भी, क्योंकि कोई बात ही नहीं करता था, यही कहते थे कि आप आए हो तो वोट देंगे। लेकिन हाँ, जो बात है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये नाराज़गी थी कि बघेल साहब नहीं आए, पर आप देखिए इतना बड़ा हमारा क्षेत्र है और 5 विधानसभाएं हैं, तो उन विधानसभाओं में इतने सारे गांव आते हैं, अगर वो 5 साल में एक बार भी जाएंगे तो लोग भूल जाते हैं। तो लेकिन सब बाद में इस बात को भी मानते हैं कि हाँ, ये सड़क उन्होंने बनवाई है, हमारी शादी में आए थे, कार्यज में आए थे। तो मतलब थोड़ी सी शिकायत ऐसे ही कोई जाता है तो भैया, वो हर आदमी ये चाहता है कि हमारा सांसद हमारी आँखों के सामने रहे। पब्लिक का तो बस नहीं चलता, वो तो 24 घंटे हमें अपने सामने बिठाना चाहती है, बस ये। पिछले 1996 से लेकर अब तक मुझे लगता है कि 12-14 चुनाव उन्होंने लड़े हैं, तो क्या चुनौती आपको लग रही है? आपको अनुभव है पूरा, इतने सारे चुनाव लड़े हैं, आप खुद भी चुनाव लड़ी हैं। इस चुनाव में मुझे कोई चुनौती नहीं लग रही है। पिछली बार हम 2.5 लाख से जीते थे, इस बार हम 5 लाख से जीतेंगे। किस प्रत्याशी से मुकाबला मान रही है? यहाँ 11 प्रत्याशी हैं निर्दलियों सहित, गठबंधन है, BSP है, कोई है ही नहीं भैया, किसका नाम लूँ? पूरे प्रचार में कोई हमें कहीं नज़र ही नहीं आया, हम प्रत्याशियों के नाम ही नहीं जानते। मैं किससे बताऊं कि उससे हमारा बराबरी है या उससे हमारा कंपटीशन है, क्योंकि हमें यही नहीं पता कौन से पार्टी के कौन से प्रत्याशी हैं। पहले आगरा लोकसभा में इलेक्शन हुआ था तब बघेल साहब आगरा लोकसभा के लिए नए थे, एक एतमादपुर उसमें आती थी, अब जब जनता के बीच 5 साल वो रह लिए हैं, तब एक बार फिर आप जनता की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और जनता की परीक्षा में हम सफल होंगे। और आप देख ही रहे थे इस बार जो जुलूस था कितना ज़बरदस्त था, और हर रैली इतनी शानदार, और हर जहाँ जहाँ भी गए हमें कहीं भी नेगेटिविटी नहीं मिली, इतना अच्छा था सब कुछ। और आप देखिएगा, जब जीत के आएंगे तो आप ही हमसे इंटरव्यू ले रहे होंगे। आप मधु बघेल हैं, बींग ए वीमेंस, आप क्या चाहती हैं, क्यों वोट एसपी सिंह बघेल और नरेंद्र मोदी को जनता दे? देखिए, मैं एक महिला होने के नाते ये बात ज़रूर कहूँगी कि हम इतने प्रधानमंत्री आए, इतने मुख्यमंत्री आए, किन्होंने किसी ने भी महिलाओं के बारे में नहीं सोचा, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब महिलाएं शौच के लिए जाती थी तो उनको उनके साथ बलात्कार हो जाया करता था, छोटी छोटी बच्चियां गायब कर दी जाती थी, और यहां तक कि भैंसें चोरी होती थी। अब एक गरीब आदमी भैंस से अपनी जीविका चलाता है, जब वही चोरी हो जाएगी तो कैसे वो जीवन अपना यापन करेगा? अब आप देखिए 2014 से जब से हमारे मोदी जी और योगी जी आए हैं, तब से कितना कुछ बदलाव है। ये मैं नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से लोगों का अत्याचार या गुंडागर्दी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हर चीज़ में एक टाइम लगता है, तो अब थोड़ा और टाइम लगेगा, जब तो हमारा देश बहुत सुरक्षित होगा और पूरा प्रदेश खुशहाल होगा। तो ऐसी ही सुरक्षा रो चाहिए महिलाओं को, और क्या चाहिए। अब महिलाएं रात को स्कूटी पे घूमती हैं, पहले चेनें खींच जाया करती थी, तो महिला पूर्ण रूप से सुरक्षित है, इसलिए महिलाएं बहुत खुश हैं, और 33% का जो उन्होंने एक आरक्षण दिया है उससे भी बहुत खुश हैं। एसपी सिंह बघेल बतौर सांसद और बतौर एक फैमिली मैन किस रूप में आपको पसंद है? मेरे हस्बैंड ने मुझे निश्चित रूप से पसंद दिया है, हर रूप में पसंद है वो। एज ए सांसद उनके कार्यकाल को कैसे आंकती हैं? बहुत अच्छे से अपना काम निभाते हैं, और सांसद हैं तो अब हमारा भी ये फर्ज बनता है कि वो जिस रास्ते चलते हैं तो हम भी पीछे पीछे उसी रास्ते चलते हैं। हम अर्धांगिनी होने के नाते मतलब बिल्कुल ये है कि उनको किसी चीज़ के लिए डिस्टर्ब ना किया जाए, जैसा पब्लिक चाहती है वैसे ही करें, क्योंकि महिलाएं अगर कलेश करती हैं घर में तो पुरुषों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। वो मैंने कभी नहीं सोचा, इनको बिल्कुल फ्री छोड़ा है कि आप जनता के हो, जनता में रहो।
मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न एक और एज अ जागरूक सिटीज़न ऐसा नेता चाहूँगी, चाहे हमारे MLA हों चाहे हमारे MP हों, जो हमारे लिए अवेलेबल रहे हर वक्त। और मेरे ख्याल से आगरा में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको हमारा घर का एड्रेस नहीं पता। अगर नहीं पता है तो वो खुद ही जागरूक नहीं है, तो इस वजह से नहीं पता होगा। तो एक तो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा होना चाहिए कि हमें उसकी अवेलेबिलिटी हो, हमारी बात सुने, समझे, एजुकेटेड हो और मिलनसार हो, ठीक है। तो और क्या चाहिए आपको, क्योंकि रोज़मर्रा की लाइफ में आपको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं चाहिए होता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कभी कोई कंडीशन आती है जब आपको रिक्वायरमेंट होती है, जब लोकल कोई गुंडेबाजी कर रहा होता है या आप कहीं लीगल इशू में फंस जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए होना चाहिए। एंड पढ़े लिखे होंगे तो वो हर चीज़ को समझेंगे। एंड सिंस यू नो मेरे पापा की तो इतनी डिग्रियाँ हैं कि गिनते गिनते हम थक जाएंगे, और अगर एक एक डिग्री बांट दी जाए तो कम से कम 15-20 लोगों का भला हो जाएगा। आप कैंपेन में भी गई हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स आपको? रिस्पॉन्स अच्छा मिला, कुछ कुछ जगहों पे मिक्स्ड मिला रिस्पॉन्स। लोगों ने थोड़ी सी नाराज़गी जाहिर करी, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड के वजह से 2-2.5 साल तो ऐसे ही चले गए, क्षेत्र भ्रमण नहीं हो पाया, निधियाँ नहीं आई, ठीक है। बाकी लोकली लोग भड़काने में लगे रहते हैं और लोगों को, तो रिस्पॉन्स इनिशियली मिक्स था, पर जब उनके साथ बीच में मैं घूमी, उनके साथ उठी बैठी, सबको अपना नंबर दिया, तो अब रोज़ पॉजिटिव रिस्पांस आता है। एक अंकल तो मुझे रोज़ बालगड़ी से कॉल करते हैं सुबह सुबह कि बेटा सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। तो जो नाराज़गी थी लोगों की, और अपनों से ही नाराज़गी दिखाते हैं, तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं लगती। उनके बस ये थी कि भाई आ जाओ हमसे मिल लो, तो ठीक है अब वो हुआ करेगा, मगर अब हम भी जाया करेंगे। अब तक हमने ये काम सिर्फ पापा की जिम्मेदारी छोड़ी हुई थी, बट अब आई गेस इट्स हाई टाइम कि हम इस जिम्मेदारी को बांट लें और हम भी अपना फ़र्ज़ निभाएँ इसमें। जी मैं पिछले 15 डेज़ में करीबन 180 गांव हो चुके हैं मेरे, तो कैंपेन में इतना अच्छा लगा कि लोग, मैंने अभी तक सुना था कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, पर पहला इलेक्शन मैं ऐसा देख रहा हूँ, 5 साल MP रहे हैं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि आप इलेक्शन जीतेंगे, आपको आने की आवश्यकता नहीं है हमारे पास। अब जब ये बात हो जाती है कि 5 साल में लोग ये बोलते हैं कि आने की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब ये है कि 5 साल आपका MP आपके पास रहा है, आपके पास आया है, आपके सुख दुख में आपके साथ हमेशा रहा है। इसका मतलब मैं यही समझता हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 लाख से ऊपर की जीत होगी। वो है ना, जो लोग शांति काल में पसीना बहा लेते हैं, उन्हें युद्ध काल में नहीं बहाना पड़ता। तो मैं तो 30 साल से मेरे डैड के पॉलिटिकल जर्नी में मैं कभी उनको रात में 2 बजे से पहले घर आते हुए नहीं देखा। तो 5 साल जो इंसान मेहनत करता है तो इलेक्शन में रिलेटिवली कम मेहनत करनी पड़ती है। बाकी माहौल बहुत अच्छा है, सरकार 10 साल से बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जब दोनों तरीके से कैंडिडेट भी मेहनती होते हैं और सरकार पार्टी भी मेहनती होती है और पार्टी के कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा जो मेहनती अगर होते हैं, तो फिर माहौल बहुत अच्छा रहा है। बीइंग अ यूथ और एक डॉक्टर, जी लोग को क्यों वोट करें? क्यों, अगर जो व्यक्ति भारत में, पहली बात तो हम ऐसे देश में हमें बहुत थैंकफुल होना चाहिए कि हमें वोट करने का अधिकार है। तो जब हम जिस देश में हैं, हमें वोट करने का अधिकार है, और फिर हम अगर जाके वोट नहीं करते हैं तो हमें कोई हक नहीं है फिर सरकार को के अगेंस्ट कुछ बोलने का या फिर वो करने का। तो इसलिए आपको ये डेमोक्रेसी में होने का सबसे बड़ा एक अधिकार है और इसको हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये लोकतंत्र का महापर्व है जिसमें जनता जनप्रतिनिधियों के रिपोर्ट कार्ड के तहत उनको वोट देगी और जनता ही उनका सिलेक्शन करेगी। प्रोफेसर SP सिंह बघेल के आवाज़ से अपने साथी राहुल शांत के साथ विजय बघेल, C News आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल C News के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।